नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। खरगे ने एक बयान में कहा, या बालाजी के खिलाफ कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि मोदी सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध की कार्रवाई है जो उसका विरोध करते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि ना तो ब्रजभूषण के परिवार के सदस्यों और ना ही उसके सहयोगियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद उन्होंने 15 जून तक अपना विरोध रोक दिया था। इससे पहले मंत्री को बेचैनी की शिकायत के कारण शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें दिन में एक विशेष अदालत में पेश किया जा सकता है जहां एजेंसी उनकी हिरासत का अनुरोध करेगी। गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के निकट शक्तिशाली चक्रवात बिपार्जॉय के संभावित आगमन से 2 दिन पहले अधिकारियों ने मंगलवार को तटीय क्षेत्रों से करीब 30,000 लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF की कई टीम तैयार है। इसके साथ ही सेना के अधिकारियों ने नागरिक प्रशासन और NDRF के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। सहरसा जिले के एक दलित नेता व जदयू के विधायक रत्नेश सदा को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया, जिससे अटकलें लगाई जाने लगी कि उन्हें सुमन के स्थान पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर आज यानी कि 14 जून को अपना 71वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही। एक्ट्रेस कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि वह बैडमिंटन की काफी अच्छी खिलाड़ी है। पल पल दिल के पास के अभिनेता अपनी लंबे समय से प्रेमिका दृष्टि आचार्य के साथ एक अंतरंग समारोह में शादी के बंधन में बंधेंगे। करण और दृष्टि की प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि अभिनेता के दादा धर्मेंद्र के उनके विवाह पूर्व उत्सव में शामिल होने की संभावना नहीं है। कई मामलों के संबंध में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय IHC में पेश होने के बाद सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सत्ताधारी शासकों सहित राजनीतिज्ञ शक्तिहीन हैं और उनके पास संवाद करने का अधिकार नहीं है। संतोष कुमार मांझी के इस्तीफे पर JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पूरे देश की पार्टियां एक हो रही, 17 पार्टियां यहां आ रही, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। अमेरिकन चार हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 14 जून को US कैपिटल में आयोजित किया जाना है ताकि कानून निर्माताओं के समक्ष हिंदू समुदायों की चिंताओं को उठाया जा सके। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ।